दोस्तों मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूं आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरे पास ओप्पो का फोन है रियलमी का फोन है सैमसंग का फोन है रेडमी का फोन है पोको फोन है मतलब दुनिया दुनिया के जितने भी एंड्रॉय स्मार्टफोन है उनके कमेंट्स बहुत आ रहे हैं और उसमें एक ही प्रॉब्लम है वो है पिन पैटर्न पासवर्ड का लॉक हो जाना और आपके लिए यदि ये प्रॉब्लम मतलब है आपके साथ आप घर बैठे हैं और आपका स्मार्टफोन आप देखते हैं कि वो लॉक हो गया है आप उसे अनलॉक नहीं कर पा रहे ये वीडियो स्पेशली आपके लिए जहां पर आप अपने स्मार्टफोन को बिना कंप्यूटर के आप अनलॉक करने का जो बेस्ट मेथड है वो सीखेंगे और यदि आपके स्मार्टफोन में पिन पैटर्न पासवर्ड इस तरह से लग गया है इस वीडियो को पूरा देखिए जहां पर हम आपको बताएंगे आप अपने स्मार्टफोन को घर बैठे बिना पैसों को खर्च किए बिना सर्विस सेंटर गए आप कुछ ही मिनटों में बिना यानी कंप्यूटर एंड सबसे इंपॉर्टेंट बिना आपके डेटा को लॉस्ट किए वो जो मेथड है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो इस वीडियो को दोस्तों आपको पूरा देखना है जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा कि आप अपने हैंडसेट को किस तरह से अनलॉक मतलब कर सकते हैं वो भी कुछ ही मिनटों में और आप इस वीडियो में जो मैं आपको आप, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको किस नॉलेज के बेस में बता रहा हूं तो मैं आपको जो हमारे नए मतलब सब्सक्राइबर है उनके लिए मैं बता दूं कि हम अपने तेरह साल के सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने स्मार्टफोन को बिना कंप्यूटर के किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं वो भी घर बैठे हुए तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से अपने हैंडसेट को अनलॉक करेंगे तो चलिए आपको लेके चलता हूं अपने टेबल पे और आपको आ, डिस्प्ले में दिखाता हूं कि आप किस तरह से इसे अनलॉक करेंगे तो आ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा हमारा जो मोबाइल है ये यही मोबाइल को हम यहाँ पे अनलॉक करेंगे क्योंकि हमारे ये कस्टमर का है और यहाँ पे भी पिन पैटर्न पासवर्ड लग गया है अब इसे हमें यहाँ पे कैसे डालना है याद रखिएगा दो तीन टाइप से आपके हैंडसेट को अनलॉक किया जाता है हम यहाँ पे मिराकल बॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता होगी तो यहाँ पे हम बिना कंप्यूटर के आपको दिखाने वाले हैं। इसलिए ध्यान से देखिए तभी आप समझ सकते हैं हम यहाँ पे ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे ऑफलाइन मोड का इस्तेमाल करेंगे और ऑफलाइन मोड में दोस्तों आप जानते हैं बहुत सारे टिक्रम लगाने पड़ते हैं तो इसके लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना है आपको यहाँ पे देख रहे हैं इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ दिख रहा है इसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपके सामने इमरजेंसी कॉल्स ऑनली का जो पेज जो पेज है वो एपियर हो जाएगा अब आपको यहाँ पर दोस्तों एक कोड मैं बता रहा हूँ उसे आप यहाँ पर डायल कर लो ये कोई जादुई कोड नहीं है ये आपके आ, ऑफलाइन मोड का कोड है और इस कोड पे दोस्तों आपको यहाँ पे थ्री टाइम कॉल करना है जैसे आप कॉल करेंगे आपको एक ओके OK का मैसेज देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है और इस पर आपको कंटिन्यू तीन बार कर देना है अब आपको जो फ्रेंड जो है स्मार्टफोन है वो ऑफलाइन मोड में चला गया आपके बैकग्राउंड में जितने भी अप्लीकेशन चल रहे थे वो सारे यहाँ पे बंद हो गए हैं और जिनका बंद होना भी बहुत जरूरी था तभी आपका हैंडसेट अनलॉक होगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस कोड को यहाँ से सबको हटा देना है अब यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है मास्टर अनलॉकिंग मोड का जी हाँ जिसे हम यहाँ पे जो कोड है उसे डाल के एक्टिवेट करेंगे स्टार हैज एट डबल नाइन और हैज जैसे ही हम यहाँ पे हैज क्लिक करते हैं आपके सामने इंजीनियर मोड ओपन हो जाएगा अब आप दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं लेकिन आपको यहाँ पे इसे क्लिक करना है सॉफ्टवेयर जो वर्जन है यहाँ नंबर फाइव पे इसे आपको जिसे आप इसे ओपन करेंगे एंड्रॉयड वर्जन जो आप देख रहे हैं इसे आप यहाँ पे सेवन टाइम क्लिक करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आपका एंड्रॉयड वर्जन टेन या टेन से ऊपर होना चाहिए तभी आपका यह मैथड काम करेगा तो फिर दोस्तों आपको अगला जो यहाँ स्टेप लेना आपको कुछ नहीं करना बस आपको इसे बैक होना है और नंबर फोर पर जो ऑप्शन देख रहे हैं मैनुअल टेस्ट इसे आपको सिलेक्ट करना है यहां पर भी आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे लेकिन आपको चले जाना है नंबर दो वाले ऑप्शन पर जिसका नाम है डिवाइस डबिंग अब यहां पर जो पहला ऑप्शन है चेक स्मॉल बोर्ड मैच मेन बोर्ड इसे आपको यहां पर सिलेक्ट करना है यहां पर आपको एक बोर्ड मैच पास्ट का आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा इसे आपको पास होना बहुत जरूरी है आपका फेल दिखा रहा है इसका मतलब आपको जो मेथड आपने अप्लाई किया है वो उसमें कुछ आपसे गलती हुई है इसलिए आप उसे दोबारा से करें आपका यहां पे पास दिखा देगा तभी आप आगे यहां से जा सकते हैं अब आपको यहां पे बैक होना है और यहां पे फिंगरप्रिंट जो टेस्ट है इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यह जो ऊपर में जो ऑटो टेस्ट है से आपको यहां पे क्लिक कर देना है अभी दोस्तों देख सकते हैं यहां है। इसका मतलब है कि आपको जो फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है वो सही काम कर रहा है आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है अब आपको आप पे फिर से बैक होना है और आपको चले जाना है सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन पे जब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन देखेंगे देखने को मिलेंगे इससे ऑपरेशन को आपको स्टार्ट करना है जैसे आप दोनों को क्लिक करेंगे आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें आपका एक का पास होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला वाला ही पास हो गया है दूसरा दु, दु, वाला फेल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है अब आपको यहाँ पर फिर से बै, आ, बैक होना है और उसके बाद आपको यहाँ पर जायरोस्कोप दिखेगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सेल्फ टेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर कुछ देर टेस्टिंग होगा यहाँ पर आपको पास लिखा हुआ आ जाएगा अब आपको यहाँ पर फिर से बैक होना है और आपको सबसे लास्ट वाले जो अदर का ऑप्शन है वहां पे चले जाना है और दोस्तों आप देख सकते हैं आपका अदर वाला पेज आ गया है अब यहाँ पे आपको दो काम करना है मतलब ऐसे तो तीन काम करना है पहला काम आपको जो नंबर दो पे रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट इसे आपको सेलेक्ट करना है और इसे आपको कन्फर्म कर देना होगा जैसे आप यहाँ पर कन्फर्म करेंगे आपको यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड लिखा हुआ है मतलब कि इस हैंडसेट में जो प्रॉब्लम है अभी वो अभी इसमें रॉन्ग पासवर्ड का ही है वो यहाँ से मालूम हो जाता है और यहाँ जो जो डेटाबेस बेस वर्जन आप नंबर फोर पर देख रहे हैं इसे आपको इसके बाद इलेवन टाइम क्लिक करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन अब इसके बाद दोस्तों आपका जो हैंडसेट में जो जितना भी वर्क था अनलॉकिंग का वो सारा कंप्लीट है बस आपको यहाँ पे लास्ट का स्टेप लेना है और आपका स्मार्टफोन अनलॉक होने वाला है उसके लिए आपको नंबर थ्री पे जो ऑप्शन देख रहा है की स्टेटस इसे आपको एक बार सिलेक्ट करना है और दोस्तों आप देख सकते हैं आपको जितने भी की हैं की मतलब लॉक होते हैं वो सारे यहाँ पे पास हो चुके हैं मतलब आपका रिसेट हो चुका है पासवर्ड यहाँ तक कि गूगल का जो की है वो भी दोस्तों यहाँ पे पास हो चुका है अब आपको सिर्फ इसे क्रॉस चेक करना है कि क्या ये हैंडसेट अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ तो मैं इसे यहाँ पे बैक बैक करूंगा होम स्क्रीन क्लिक करके और फ्रेंड आप देख सकते हैं आपको जितने भी स्मार्टफोन के लॉक्स थे वो यहाँ पर रिसेट हो चुके हैं आपका कोई डेटा दे, भी लॉस्ट नहीं है इसका मतलब ये मैथड बहुत जबरदस्त है और आपको एक बार ट्राई करना चाहिए यदि आप दोस्तों चाहते हैं कि इतना करने के बाद भी आपका स्मार्टफोन अनलॉक नहीं हुआ आपको समझ में नहीं आया आप उस केस में हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे हम आपसे मिनिमम चार्जेस पे आपके हैंडसेट को अनलॉक करते हैं और वो भी दो से तीन मिनटों में वीडियो कॉल के माध्यम से जैसे ही आप हमें हमें ज्वाइन करेंगे हमारी टीम आपको दो मिनट के अंदर वीडियो कॉल करेगी और आपके हैंडसेट को अनलॉक करने में आपकी पूरी सहायता करेगी नहीं होने पर पैसे वापस होते हैं